थाना हाईवे के चाणक्यपुरी निवासी दुष्यंत शर्मा का विवाह लगभग 7.5 साल पहले बदरपुर निवासी नीतू शर्मा से हुआ था। करीब 2.5 साल पहले दुष्यंत शर्मा ने अपनी पत्नी को मोबाइल दिया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। कुछ समय पहले ही मकान को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा चल रहा है। कल शाम को भी पति पत्नी के बीच मकान को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई और पत्नी ने अचानक ही पति दुष्यंत पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दुष्यंत के हाथ में गहरी चोट आई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दुष्यंत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पति का आरोप है कि अभी भी पत्नी द्वारा मेरी माँ और बच्चों को घर में कैद रखा है और उनकी जान को खतरा बना हुआ है। किस प्रकार की घटना हुई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है। दुष्यंत जी, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरी बीवी 3 महीने से हमारे घर वालों को बाहर निकाल कर दबंगई से रह रही है और उसने हमें कभी कुछ नहीं दिया। दिन में 10-10 बार पुलिस बुला करके कहती थी मारपीट कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ CCTV फुटेज लगे हुए हैं। उसके बाद भी वो इन्हीं हरकतों करती रही। पिछला मुकदमा भी उसने किया था 3 महीने पहले। किस लिए कर रही है, क्या वजह है? वजह ये है कि उसका सीधा कहना है, जब पुलिस वालों के सामने बात हुई थी तो ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे बच्चों के नाम करो, उसके बाद मैं आगे सोचूंगी मुझे क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है या तुम्हारे साथ रहना है। जबकि मैं पिछले 2 महीने से हाईवे सिटी कॉलोनी में 49 नंबर मकान में रह रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। इसके घर वाले भी पिछले 2 साल से सुन नहीं रहे हैं मेरी। मैं कह रहा हूँ ये हरकतें कर रही है, माँ की गाली बहन की गाली देती रहती है, पर वो नहीं सुनते। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नीतू शर्मा। कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से शादी? बदरपुर दिल्ली की रहने वाली है ये। और इसने कल हरकत करी चाकू मार के, और उसके बाद में फिर मेरा प्राइवेट पार्ट जो होता है वो भी इसने दबाया, मुझे मारने की कोशिश करी, या तो तू रहेगा या मैं रहूँगी। बताया जा रहा है कि किसी को बंधक भी बनाया उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।